अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर फिश कोफ्ता रेसिपी। सबसे पहले मैंने फिश ले ली है, आधा किलो फिश है, इसे हम लोग फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप घी ले लिए, फिश को हम अब इसके अंदर फ्राई करेंगे। घी गरम हो चुका है, इसके अंदर फिश ऐड कर देंगे। उलट पलट करके अब हम इसे फ्राई करेंगे। पूरी रेसिपी में दोस्तों मैंने सिर्फ 2 कप ही घी ली है। फिश फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखे दोस्तों, मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसके कांटे अलग कर लूँगी और बोटियाँ अलग कर लूँगी इसकी। सारे कांटे वन बाय वन निकाल लेंगे इसमें से और बोटियाँ अलग कर लेंगे इसकी। ये देखें, कांटे निकाल लिए। अब चॉपर ले लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले मैं फिश डालूंगी। चार अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं, एक टुकड़ा अदरक का डाल दिया, चार पांच जवे लहसुन के डाल दिए, आधा प्याज डाल दिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और सूखा धनिया 1 चम्मच। एक अदद अंडा डाल दिया, इसे हमने चॉप कर लिया, फाइन चॉप हो चुका है ये। धीमा चॉप हो गया है, तो अब हम इसे प्लेट में डाल लेंगे। यहाँ पे 2.5 चम्मच मैंने बेसन के लिए, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दरा मिर्च ली है 1 चम्मच, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, सब कुछ मिक्स हो चुका है, अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। ऐसे गोल गोल करके कोफ्ते बन गए, ये कोफ्ता बन गया। इसी तरह सारे कोफ्ते हम लोग रेडी कर लेंगे। ये एक और आपको बना के दिखाती हूँ, इस ऐसे ये भी कोफ्ता बन गया। सारे कोफ्ते इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह 20 कोफ्ते बन के रेडी हुए हैं हमारे, आधा किलो फिश में। उसी घी के अंदर अब हम इसे फ्राई करेंगे। चूल्हा जला दिया, तेल गरम हो गया, इसके अंदर हम कोफ्ते फ्राई करेंगे।
ये सिर्फ मैंने 2 कप घी लिया था, इसी के अंदर सारे कोफ्ते रेडी होंगे। दो पोर्शन में मैं इन्हें फ्राई करूंगी, पहले हाफ करूंगी, बाद में फिर हाफ करूंगी। कितना प्यारा कलर आ गया कोफ्तों का। अब हम इसे पलटेंगे, दूसरी साइड से भी पकाएंगे। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बन गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम बकाया के कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। ये भी बन चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये देखें, अब एक कोफ्ता मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त, कितने परफेक्ट बन के ये रेडी हुए हैं। अब जो घी बच गया था, इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज, 2 प्याज लिया मैंने, वो डाल देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। तीन चार जवे लहसुन के डाल देंगे। अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल दूंगी और इसे अच्छे से पकाएंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे। प्याज और लहसुन अच्छे से गल गया है। दो चम्मच लाल मिर्च डालिए। एक चम्मच हल्दी, इसे भून लेंगे। अब इसे
थोड़ा सा पानी और डाल के इसे और अच्छे से पका लूंगी। एक कप मटर ले लिए मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से भून लेंगे। दो चम्मच यहाँ पे दही के लिए मैंने वो डाल दिए। अच्छे से भून लेंगे अब इसे। मटर भून चुके हैं, इसके अंदर पानी डाल देंगे। दो ग्लास पानी डाला मैंने इसके अंदर। कटा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च वो डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूंगी। कोफ्ते डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए और इसे कुक करेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं पकते हुए। माशाल्लाह कोफ्ते फूलकर काफी बड़े हो चुके हैं। अब मैं 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगी। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। धनिया डालने के बाद 1 मिनट और कुक करेंगे। कोफ्ते बन चुके, अब हम इसे अपने बाउल में डाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़े के बन के रेडी हुए कोफ्ते। अब मैं कोफ्तों के ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूंगी। कटा हुआ अदरक डाल दूंगी, कटे हुए लेमन डाल दूंगी, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।